दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के समाजशास्त्र विभाग एवं यूजीसी एचआरडीसी के सहयोग से संचालित हो रहे 17वें पुनश्चर्या कार्यक्रम समापन सत्र आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर मनीष कुमार वर्मा, पूर्व अध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग बीबीए यूनिवर्सिटी लखनऊ भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता में प्रोफेसर विजय कृष्ण सिंह, कुलपति दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर ने किया। समापन सत्र में प्रख्यात समाजशास्त्री प्रोफेसर मनीष कुमार वर्मा ने थ्योरीज एंड मेथड्स टू अंडरस्टैंड कंटेम्पररी सोसाइटी विषय पर व्याख्यान देते हुए पिछले लगभग 100 वर्ष में समाज के क्षेत्र और समाजशास्त्र की प्रविधि में हुए परिवर्तनों का जिक्र किया और कहा कि समाज को परिभाषित करने में समाजशास्त्र ने समय समय पर विभिन्न परिप्रेक्ष्य और प्रविधियों का प्रयोग किया है। इस अवसर पर पुनश्चर्या प्रतिभाग कर रहे शिक्षकों ने भी अपने अनुभव शेयर किए। इस सत्र में मंथन सी सेंटर जो बनाया और उसमें जो विशेष प्रोग्राम रखा आपके लिए नए टीचर्स के लिए, उसकी उसका ऑब्जेक्टिव मेन यही था कि जब आप अपने नॉलेज को आपने एक यूनिवर्सिटी से ग्रहण किया और उसको आप डिस्ट्रीब्यूशन उसका आप अपने टीचरों को और स्टूडेंट्स को करते चले जा रहे हैं, तो ये विशेष प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आप अपने जो आपका टॉप सब्जेक्ट है उसमें आप और नए चीज़ों से रिफ्रेश हों, पुरानी चीज़ों को नए तरीके से उसमें रिफ्रेश हों, तो इसीलिए इस कार्यक्रम को रखा जाता है। जो माइक्रो सेशंस थे वो सारे हम लोगों ने नियम के हिसाब से पूरे करने की कोशिश किया और मैं कुछ लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बड़ा सहयोग किया। विभाग में सभी नव नियुक्त शिक्षक डॉक्टर पवन, डॉक्टर प्रकाश के साथ ही विभाग के सभी वरिष्ठ शिक्षकों ने इसमें व्याख्यान किया खुद भी और हर तरीके से सहयोग। यूनिवर्सिटी के मीडिया प्रभारी प्रोफेसर अजय शुक्ला का भी योगदान इसमें रहा है कि हमारे यहाँ आमंत्रित विद्वानों के विचार लोगों तक उन्होंने पहुँचाने में मदद किया। शिक्षक संघ के अध्यक्ष जी का और अपने और सभी विश्वविद्यालय के मित्रों का भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो समय निकाल के यहाँ आए और हम लोग मनोबल को बढ़ाया हूँ। अच्छा अधिक समझेंगे और अपने छात्र छात्राओं तक अपने क्षेत्र तक इसका लाभ पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इस बीच हमें बहुत सारे अच्छे एक्सपर्ट्स के रूप में, जैसा सर ने भी बताया कि देश के विभिन्न भागों से अच्छे उत्कृष्ट कोटि के समाजशास्त्रियों को सुनने का मौका मिला और उन्होंने अलग अलग विषयों पर सोशियोलॉजिकल थ्योरीज, रिसर्च मेथोडोलॉजी, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म आदि जैसे कठिन विषयों में एक नए तरीके से चीजों को देखने का मौका मिला और उसे समझने का मौका मिला। विभाग के अन्य सभी विद्वान प्रोफेसर का हमें निरंतर सहयोग मिलता रहा, उनके विचारों से हम हर दिन लाभान्वित होते रहे। आपके जो अमूल्य विचार और आपका व्यवहार था वो शायद हमेशा पूरी जिंदगी में याद रहेगा।